जंगल राज की स्थापना हो चुकी है। जंगल राज क्या होता था ये हम सुनते थे पढ़ते थे और मीडिया और सोशल मीडिया का बार इसका संज्ञान आता था। ऐसा एक दिन नहीं जाता है जब जनाध्य खतरनाक से खतरनाक अपराध मध्य प्रदेश में नहीं होता। दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों की हत्या और बलात्कार, लगातार गैंगरेप, यहां तक के फिरौती के केस और हर वो क्षेत्र जिसमें शासन और सरकार का सरोकार है, सारे परिवार के लोगों को एहसास मध्य प्रदेश के हो रहा है कि हर जगह अपराधी पूरी ताकत से बेखौफ चालू हो गए। अपराधियों को डर समाप्त हो गया और एक प्लानिंग के तहत अपराध कैसे होते हैं उसका मध्य प्रदेश उदाहरण बनता जा रहा है। वो चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में लगातार आग लगने के प्रोसेस हो, चाहे नर्सिंग का इतना बड़ा कलंक मध्य प्रदेश में जिसमें जांच करने वाले ही लगातार अब रिश्वत के मामले हो, चाहे ये जिन्होंने जो रिश्वतबाजी हुई इन्होंने ही पहले व्यापम की जांच की थी, चाहे अपराध की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की बात हो, चाहे करप्शन के हिस्से की बात हो, मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में जंगल राज की पराकाष्ठाओं को पार कर चुका है। हमने इस दौरान करीब 7, 8, 9, 10 बार अलग अलग पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि इस पर एक समीक्षा मीटिंग आपकी होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों की होनी चाहिए, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एसपी से बात करना चाहिए, क्या कारण है कि अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, डकैती बढ़ती जा रही, चोरियां बढ़ती जा रही, इसको लेकर गृह मंत्री अपने दायित्व का निर्वाह करें। मुख्यमंत्री को ये बातें अच्छी नहीं लगती है, उनसे सवाल पूछना, वो बदले की भावना से विपक्ष में और बीजेपी के भी अंदर काम करने लगे। हमारे साथ लगातार विपक्ष को कैसे डराना, धमकाना, उन पर किसी न किसी प्रकार की उनकी आपराधिक और प्रशासनिक गतिविधियों से उस पर मोटिव बनाना और बीजेपी ज्वाइन कराना, ये प्रोसेस तो चुनाव पहले चल ही रहा था, पर वेंडेटा एक तरह से बदले की भावना से सरकार काम करने लगी और खासकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, जो मेरे पे चुनाव के दौरान 4 FIR हुई थी, ये क्या था, बनती नहीं थी, सारी क्वेश होगी पक्का भरोसा, पर ये बदले की भावना का स्वरूप है। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं और चेताना भी चाहता हूं कि दिमाग में से ये आपके कहीं भी बुखार हो कि बदले की भावना से आप कुछ कर सकते हैं तो निकाल देना, सर पे विपक्ष की पूरी जो भूमिका होती है निभाने को लेकर ही काम किया जाएगा। दूसरी बात, प्रदेश के हित में किया जाएगा, किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से या नफरत की और घृणा की भावना से नहीं किया जाएगा, प्रदेश के हित में किया जाएगा और आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आप फिर से मेरा आग्रह है, जितनी जल्दी हो मुख्यमंत्री जी, जैसा मैंने पहले भी कहा था, समीक्षा करें गृह मंत्री होने के नाते, क्यों अपराध बढ़ रहे हैं, क्यों अपराधी बेखौफ हो रहे हैं, क्यों लगातार जंगल राज की स्थापना हो गई है और इसके लिए दोषी कौन है। मैं मानता हूं ऐसे में कि सद्बुद्धि आएगी और करेंगे। जो सागर का घटनाक्रम है, खासकर मुख्यमंत्री जी के हैं कि हम प्रेशर में लाके दबाव बना के अलग अलग तरीके से व्यक्तियों को टारगेट करके वेंडेटा की राजनीति से कंट्रोल कर सकते हैं तो भूल जाए, बहुत विनम्रता से अगर उनके हित में भी और प्रदेश के हित में, अगर वो व्यक्तिगत बदले की बात जब चालू करेंगे तो उनको अंदाजा ही नहीं है कि किस हद तक लड़ा जाएगा। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी आपने कहा था समीक्षा करें, उन्होंने समीक्षा की तो दलित परिवार पर किस तरह का प्रकरण है, पहले बहन के साथ छेड़खानी, फिर भाई की हत्या, फिर चाचा की हत्या, फिर इस बीच में माँ को भी एक तरह से निर्वस्त करना और फिर बेटी का भी ईश्वर की घटनाक्रम, जो वो भी उनकी भी मृत्यु हुई, ये कहां सुना और पढ़ा आपने आज तक ऐसा जैसा यहां हुआ है। मैं मानता हूं जो
मैं प्रदेशों का नाम नहीं लेना चाहता, पर कई प्रदेशों में लिखा जा रहा था जंगल राज, मध्य प्रदेश सबसे ऊपर जंगल राज की श्रेणी में है, और मुख्यमंत्री से आग्रह है वो जागे और इस अपराध को रोकने में उनको ईश्वर कामयाब करे। गुना में सारी घटना है घटना, अभी इंदौर में भिखारियों को समाप्त करेंगे, अच्छी बात है, पॉजिटिविटी है, करना चाहिए, पर उसके साथ साथ इंदौर में इतना बड़ा क्राइम, 2,000 करोड़ रुपए का नगर निगम में बिना काम किए बिल पास करा लिए, उस पर मुख्यमंत्री की जबान खुली क्या? करप्शन के अगेंस्ट जबान खुली क्या? उज्जैन में जो शराब माफिया है उसके खूब डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जिस दिन जो इंदौर में शराब माफिया है, ये छोटी छोटी शराब की दुकानों पर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूं कि दो रास्ते हैं, विपक्ष सकारात्मकता से सरकार का सहयोग करे एक, और सरकार सकारात्मकता से कानून व्यवस्था और बाकी चीजों की कमियों को सुधारने में विपक्ष की भूमिका का की सहायता है दो, अगर वेंडेटा है तो आपको अपराधियों से करना पड़ेगा, अपराध से करना पड़ेगा। मैं मानता हूं हम सबको चेतना चाहिए, आप लोगों से भी धन्यवाद जिस तरीके से आप मुद्दे उठा रहे हो। कांग्रेस पार्टी फिर से मुख्यमंत्री जी से मांग करती है अपराध पर नकेल कर सकते।